नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अब बात कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मंत्री जी की, जिनकी जुबान से दिल की बात निकल गई। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की, जिन्होंने पीएम, यूपी के सीएम और एमपी के सीएम को समाज के लिए कलंक बता दिया। क्या मंत्री जी भूल गए थे ये सब बोलते वक्त कि अब वह कांग्रेस में नहीं बीजेपी में आ चुके हैं? ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि शरीर भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन मन कांग्रेस में ही लगा है अब तक। क्यों कितनी बड़ी बात यूं ही नहीं निकल जाया करती? बता दें कि देश के पीएम, यूपी और एमपी के सीएम को समाज के लिए कलंक बताने वाले मंत्री कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब वह बीजेपी में जल संसाधन मंत्री हैं। दरअसल शुक्रवार को मंत्री जी ने मीडिया के सामने देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को समाज के लिए कलंक बता दिया। अब मंत्री जी की जुबान फिसली या इतने वर्षों से कांग्रेस में रहने के कारण भूल भूल में भूल ही गए कि अब बीजेपी का दामन थाम चुका हूं। आइए सुनवाते हैं मंत्री जी क्या बोल गए अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए। ये सुनो सुनो, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना। तो सुना बीजेपी के जल संसाधन मंत्री ने क्या कुछ कह डाला देश के पीएम और यूपी, मध्य प्रदेश के सीएम के लिए। यहां यही कहेंगे, मंत्री जी अब आप बीजेपी में आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, याद रखिए अब आप कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री नहीं बीजेपी के जल संसाधन मंत्री हैं, तो सोच समझ कर ही बोलिए, कहीं ऐसे बोल आप पर भारी न पड़ जाए।